वो जब आगे बढ़ रहे हैं तो बिहार तो छोड़िए, बिहार के बाकी राज्यों से भी लोग चाहते हैं हमारे पार्टी को ज्वाइन करना। और साथ साथ ये भी है कि अभी तो ये ट्रेलर है, नागालैंड इज जस्ट अ ट्रेलर, अभी देखिए आगे और कितनी सारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बिजली की जो दाम अभी बढ़ाई गई उस पर बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, घटनी चाहिए, और साथ साथ इस पर जाँच होनी चाहिए। भैया आप इतना महंगा बिजली किससे पूछ के खरीद रहे हैं? और अभी हम सबको पता है गर्मी आने वाला है, स्मार्ट मीटर कभी भी बंद हो जाता है, और ये बिजली जब फेल होती है और जब अचानक से जब रात को आपकी बिजली नहीं आती है, तो ये समस्या सिर्फ LJPR पार्टी की नहीं है, ये जन समस्या है, ये बिहार का समस्या है, ये बिहार के हर घर का समस्या है। नमस्कार, मैं हूं कमल प्रिया और प्रभात भारता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बात करने जा रही हूं देवयानी मित्रा से, और जानते हैं कि नागालैंड में जो अभी खेला हुआ है तो उसके बारे में मैम से बात करती हूं। जी प्रभात भारता में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं जानना चाहती हूं कि नागालैंड में अभी अभी जो खेला हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे बड़ी बात है कि नागालैंड में JDU के इकाई का 29 के 29 नेता जो है वो हमारे LJPR में शामिल हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं एक आगाज़ है कि लोग एकदम संतुष्ट नहीं थे, चाहे वो बिहार राज्य बोलिए, चाहे वो बिहार के जितने भी मंत्री हैं हमारे ऑनरेबल CM के साथ, चाहे वो RCP सिंह से ले लीजिए, आप उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लीजिए, अभी अभी हाल फिलहाल में ये भी सुनने को आ रहा है कि जितेंद्र मांझी भी अपना कोई यात्रा निकालने वाला है, तो कहीं ना कहीं घर के लोग भी उनके लीडरशिप बोलिए या फिर उनके क्रेडिबिलिटी पर एक रियलिटी चेक देना चाहते हैं कि जो नेता अपने राज्य के नहीं हो सके, जो नेता अपने घर के नहीं हो सके, वो बाहर के स्टेट में कैसे मतलब ये उन्होंने सोच लिया था कि वहाँ पर वो विकास करेंगे। तो इट्स अ रियलिटी चेक फॉर आवर ऑनरेबल CM, उनको ये सोचना चाहिए कि अचानक से ऐसा क्या आपने किया कि आपके राज्य तो छोड़िए दूर के स्टेट भी, नागालैंड जैसा स्टेट के भी सारे नेता हैं, 29 के 29 नेता हमारे पार्टी में आ गए, और कहीं ना कहीं ये हमारे पार्टी के जो विजन है, जो स्ट्रॉन्ग विजन हमारे नेता का है श्री रामविलास पासवान जी के, आपके चिराग पासवान जी, हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र, उनका विजन इतना स्ट्रांग है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेके, और एक इतने अच्छे लीडरशिप स्किल्स के साथ वो जब आगे बढ़ रहे हैं तो बिहार तो छोड़िए, बिहार के बाकी राज्यों से भी लोग चाहते हैं हमारे पार्टी को ज्वाइन करना। और साथ साथ ये भी है कि अभी तो ये ट्रेलर है, नागालैंड इज जस्ट अ ट्रेलर, अभी देखिए आगे और कितनी सारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। राज्य में बिजली की समस्या को लेकर क्या कर रही है आपकी पार्टी? हम लोगों ने हमारी जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बिजली की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने सोच लिया, और इसके ऊपर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला के स्तर पर बोलिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और फिर अभी 7 फरवरी को फिर हमारा एक अलग बैठक है, क्योंकि जहाँ पे नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य सबसे गरीब राज्य में माना जाता है, वहाँ पे बिजली का जो महंगा दर है उसको लेकर हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, और नासा के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जो लंबी बिजली का तार जो अभी उन्होंने दिखाया है उस पर भी क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि जब हम लोग उस पर जाँच पड़ताल की गई तो पता चला खंभे लगाए गए, तार लगाए गए, वहाँ तक बिजली नहीं पहुँची। और रही बात आपके बाकी राज्यों की, चाहे वो गोवा हो या सिक्किम हो या फिर कोई और राज्य हो, वहाँ पे जहाँ पे बिजली की दर खत्म होती है 1.5 रुपया से लेके 5 रुपया या 5.5 तक मैक्सिमम में खत्म हो जाती है, और वहाँ से हमारी क्या कहते हैं राज्य की बिजली का दर शुरू होता है 6.5 रुपया, तो भैया आप इतना महंगा बिजली किससे पूछ के खरीद रहे हैं? और अभी हम सबको पता है गर्मी आने वाला है, स्मार्ट मीटर कभी भी बंद हो जाता है, और ये बिजली जब फेल होती है और जब अचानक से जब रात को आपकी बिजली नहीं आती है, तो ये समस्या सिर्फ LJPR पार्टी की नहीं है, ये जन समस्या है, ये बिहार का समस्या है, ये बिहार के हर घर का समस्या है। अगर हर घर बिजली आपने पहुँचाया है, अगर आप ये मानते हैं, तो हर घर बिजली का दर भी आपको कम करना होगा, और वो भी 20-30% बिजली की जो दाम अभी बढ़ाई गई उस पर बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, घटनी चाहिए, और साथ साथ इस पर जांच होनी चाहिए, जो ट्रांसमिशन लॉस, जो एनर्जी लॉस, जो बिजली आते वक्त जो होती है उस पर भी समीक्षा की जाए, उस पर भी चीज़ों के ऊपर जो एक बहुत बड़ा जो गैप है, जो लूपहोल्स है, उस पर भी काम किया जाए। इसी के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिजली के दर को कम किया जाए, और महंगी बिजली क्यों खरीद रहे इसके भी जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आपने सुना कि देवयानी मित्रा ने क्या कुछ कहा, बने रहिए प्रभात वार्ता के साथ।
देखते रहिए प्रभात भारता। नमस्कार।